दोस्तों, जिसका डर था वही हुआ। इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। फिर से हमारे मुल्क भारत में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ शेयर की जा रही है। दोस्तों, आज एनडीए की मीटिंग हुई और इंडिया इत्तेहाद की भी मीटिंग हुई, लेकिन इंडिया इत्तेहाद की जानिब से कोई हतमी फैसला नहीं लिया गया क्योंकि उनके पास अक्सरियत नहीं है। दूसरी जानिब एनडीए के पास अक्सरियत है और उन्होंने फैसला ले लिया है। आज उनकी मीटिंग मुकम्मल हो चुकी है। 7 जून को तमाम एमपीस दिल्ली में इकट्ठे होंगे और 8 जून को हलफ लेंगे। इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो सका कि प्रधानमंत्री का चेहरा एनडीए की जानिब से कौन होगा। दोस्तों, एनडीए की मीटिंग में मोदी को बाजाब्ता तौर पर पार्लियामानी लीडर मुंतखब कर लिया गया है। अभी पीएम किसको बनना है ये तय नहीं हुआ है। दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर लोग आस लगाए बैठे थे कि ये इंडिया अलायंस के साथ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो एनडीए के साथ चले गए और बीजेपी को सपोर्ट कर दिया और मोदी को लीडर मान लिया। नीतीश कुमार के बारे में मशहूर है कि वो कभी इंडिया अलायंस के साथ तो कभी एनडीए के साथ रहते हैं, इसलिए लोग उन्हें प्यार से पलटो राम कहते हैं। लोग अभी भी नीतीश कुमार से कह रहे हैं कि चाचा, इस बार भी पलटी मार दीजिए, हम तुम्हारी पिछली गलतियों को माफ कर देंगे, सब भूल जाएंगे। दोस्तों, वहीं इंडिया अलायंस ने एक अहम मीटिंग में फैसला ले लिया कि वो अभी हुकूमत बनाने के हक में नहीं है। अगर अक्सरियत मिलती है तो मुस्तकबिल में इस पर गौर किया जाएगा। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और इंडिया अलायंस के सभी लीडरों ने अपोजिशन में बैठने का फैसला किया है। दोस्तों, खेल ख़त्म, दुकान बंद। आप सबकी जो बेचैनी थी वो ख़त्म हो गई है, बस अल्लाह ही मालिक है। जो हमारे गठबंधन पार्टी के नेता लोग 2 घंटे तक बैठ कर आज के पॉलिटिकल सिचुएशन पे और आज की जो परिस्थिति है उस पर बहुत से सजेशन आए, चर्चा हो गई और ये निष्कर्ष आखिरी में ये निकला कि हम सब मिलके एक ही वॉइस में ये कहना चाहिए जो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इंडिया ब्लॉक थैंक द पीपल ऑफ इंडिया फॉर द ओवरवेलमिंग सपोर्ट रिसीव्ड बाय अवर अलायंस। द पीपल्स मैंडेट हैज़ गिवन बीफिटिंग रिप्लाई टू द बीजेपी एंड देयर पॉलिटिक्स ऑफ हेट, करप्शन एंड डिप्रिवेशन। This is a mandate in defense of the Constitution of India and against price rise, unemployment and crony capitalism and also to save democracy. The India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi. We will take appropriate steps at the appropriate time to realize the people's desire not to be ruled by the BJP's government, and this is our decision and we together definitely whatever promises we have given to the people that we will keep it up and just I want to tell this. Thank you very much. दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए।